इस कैंगन वाटर इज हेल्पिंग अ डायबिटिक पेशेंट और नॉट, आज हम ये देखते हैं कि कैंगन वाटर डायबिटिक पेशेंट को हेल्प करते नहीं करते। आज के तारीख में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ इन इंडिया हम लोग ऑलरेडी वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन लेके चल रहे हैं। अराउंड 7-8% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। नाउ डायबिटीज वी ऑल्सो कॉल इट एज ए साइलेंट किलर, बिकॉज डायबिटीज के कारण आपका बहुत सारा इंटरनल ऑर्गन्स एंड टिश्यूज को वो डैमेज करता है। डायबिटीज़ के वजह से आपको दूसरे बीमारियों को भी अट्रैक्ट करते हैं। सो डायबिटीज़ हमको ये देखने होता है कि हमको डायबिटीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ बिफोर गोइंग इनटू दिस हमको ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ कितना टाइप का है। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, वन इज़ द टाइप वन डायबिटीज़ एंड द सेकेंड वन इज़ द टाइप टू डायबिटीज़। टाइप वन डायबिटीज़ बेसिकली आपको बच्चों को होता है, टाइप टू डायबिटीज़ बड़ों को होता है एंड टाइप टू डायबिटीज़ आर इंसुलिन इंडिपेंडेंट। इसका मतलब है कि आप इंसुलिन सिक्रेशन बराबर हो नहीं रहा है, लेकिन आप कुछ मेडिसिन और पिल्स को देके आप इंसुलिन को सिक्रेट करा सकते हो। सी इंसुलिन इज नीडेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब इंसुलिन एक ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है। बॉडी में जितना ग्लूकोज है वो ब्लड से लेके सेल्स तक पहुंचाता है एंड वहां से आपको एनर्जी मिलता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में अगर इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होएगा प्रॉपरली, दैट मीन्स आपका ये ग्लूकोज भी ट्रांसपोर्ट होके सेल्स की तरफ नहीं जाएगा। जो रिक्वायर्ड एनर्जी आपको प्रोड्यूस करते हैं उससे आप डिप्राइव रहेंगे, उससे आप प्रॉपरली मिलेगा। आपका बॉडी में भी अगर वाटर डिफिशियंसी है सो बॉडी का जो एनर्जी लेवल और रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज ये दोनों चीज़ अफेक्टेड होएगा। नाउ आई विल शो यू वन ऑफ द फेमस डॉक्टर बैटमैन गेलिट्स। इन्होंने ऑलरेडी डिकेड्स एगो डिस्कवर किया हुआ है कि बॉडी में अगर आपका वाटर लेवल कम होता है देन आपका ब्रेन यूटिलाइज करता है ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ वाटर। नाउ इससे क्या होएगा, इन ऑर्डर टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शन द ब्रेन समन्स इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कॉजिंग शुगर कंटेंट इन द ब्लड टू राइज सिग्निफिकेंटली। मतलब आपका ये सिचुएशन में ब्रेन ज़्यादा परिमाण में आपको ग्लूकोज समन करेगा। What will happen? आपका blood level में sugar बढ़ेगा। Now high blood sugar levels force the body to produce more and more insulin. And when it can no longer keep up with the blood glucose levels, diabetes develop. मतलब आपका body में आपका blood में जब continuously ये sugar more and sugar production हो रहा है तो definitely there will be a spike in glucose level in your blood and hence you develop diabetes. Now most of the doctors and scientists nowadays acknowledge that type 2 diabetes have a direct link with genetic information. Now genetic information DNA में रहता है। Now DNA normally function करता है in a hydrating state. अगर body आपका properly hydrated है तो DNA properly function करते हैं। अगर body वहाँ पर dehydrated है, मतलब अगर वाटर डिफिशियंसी है आपका बॉडी में, सो व्हाट विल हैपन, सो डीएनए का जो कोडिंग है प्रोबेबली देयर विल बी एन एरर सो व्हिच विल रिजल्ट इन जेनेटिक म्यूटेशन एंड एबनॉर्मलिटी। सो यहाँ पे सो वाटर इज वेरी क्रूशियल फॉर योर जेनेटिक कोडिंग सो व्हिच इज रिलेटेड टू योर टाइप 2 डायबिटीज। डॉक्टर बैटमैन गेलिट्स इन्होंने और एक फैक्ट्स दिया हुआ है, इन्होंने काफ़ी सारा डायबिटिक पेशेंट को ट्रीट किया हुआ है और उन्होंने एक पेशेंट को खाली डेली वाटर इंटेक बढ़ाने के लिए बोला है एंड ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज एफर्ट्स टू इम्प्रूव सेवरल केसेस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। इवन वो ये सर ये भी क्लेम करते हैं इवन रिवर्सिंग द कंडीशन इन मेनी पेशेंट्स। अनदर डॉक्टर डॉक्टर कुवाता केजीरू ऑफ जापान, इन्होंने फर्स्ट डायबिटिक पेशेंट में अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर ट्रीटमेंट के हिसाब से दिए हैं एंड अकॉर्डिंग टू हिम द पेशेंट हु कंज्यूम द अल्कलाइन एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच वाटर फॉर ओनली 1 month एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ब्लड एंड यूरिन ग्लूकोज लेवल। इनका कहना है कि अगर
कुछ पेशेंट्स को इन्होंने आयनाइज्ड अल्कलाइन वाटर दिया हुआ एज ए ट्रीटमेंट के हिसाब से, एंड इन्होंने विद इन वन मंथ ये ऑब्जर्व किया देयर इज अ ड्रास्टिकल इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर ब्लड शुगर लेवल इन देयर बॉडी. इनका अनदर एक पब्लिश्ड आया था इन 2007, जहाँ पे अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर टेस्टेड द इफेक्ट्स ऑफ अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर ऑन डायबिटिक माइस एंड अल्टीमेटली फाउंड दैट वहाँ पे भी ग्लूकोज कंसेंट्रेशन काफ़ी हद तक कम हुआ. सो बेस्ड ऑन द स्टडी द साइंटिस्ट कंक्लूडेड दैट अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर also benefit humans with type 2 diabetes. So unfortunately, ionized alkaline water अभी तक ऐसा कुछ study नहीं हुआ with type 1 diabetes. So Kangen water is restructured ionized alkaline water. Now it has three basic good properties. One is the antioxidant property. Now it will neutralize all your free radicals which are damaging your healthy cells and tissues or which are damaging your DNAs. So antioxidant property will neutralize all those free radical. This is one. Second is the alkaline property. Now in diabetic patient, alkaline property also help the pancreas to work in a proper condition. This is the second good property. And the third was the microcluster property. Now all the acid production which are developing in your body in a diabetic condition or in other chronic diseases and illnesses, this can be also flushed out. These three good properties of ionized alkaline water or the Kangen water is helping millions of people all across the world. So there is no harm if you try this water and see the difference on your own. So I personally suggest that try this water for at least 2 to 3 weeks in this kind of conditions and see the difference. If you feel then there is a real difference, if you could find, then you need to decide, you know, what you should put inside your body. Change your water, change your life.